हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक। आज हम नैक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको, जैसे कि हम यूनिट वन कंप्लीट कर रहे हैं सबसे पहले, तो यूनिट वन में मैंने आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ये सभी पढ़ा दिया है। एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा दिया है। तो अब हम कुछ छोटे छोटे वीडियोस जैसे कि नैक, एनसीईआरटी और एनईपी, ये सारी वीडियो भी आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। ये क्या है, हमारे टॉपिक हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी वीडियोस आपकी रेगुलर में आती रहेंगी। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। मुझसे जितना बन सकेगा मैं उतना आपके लिए करूंगी और आपका काम है पढ़ना। आप बस अच्छे से वीडियो को देखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको नोट भी करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है, आपको अपडेट किया जाता है कि आज ये वीडियो आ रही है, और जितने भी टीचिंग रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको अवेलेबल की जाती है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्यूटर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नैक के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो नैक का जो फुल फॉर्म है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए वही हो जाता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, मेरे साथ भी आप बोला करिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इससे आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा। तो नैक का फुल फॉर्म हमने देखा, फुल फॉर्म इसका क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, नैक की जो स्थापना है वो हुई थी 1994 में, 1994 में नैक की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इम्पॉर्टेंट, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो नैक क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इम्पॉर्टेंट, किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई, UGC के द्वारा। UGC का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि UGC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। UGC के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 और कार्यवाही कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी 1992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया। जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी उसको क्या किया गया, दोबारा से रिवाइज किया गया। कब किया गया, 1992 में, तब इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया नैक को, ठीक है। नैक इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। UGC का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया जाता है। तो राष्ट्रीय जो हमने नैक का, UGC ने नैक की स्थापना की, किस लिए की, उन्होंने बोला कि हम उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका क्या करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जो नैक है उसका फुल फॉर्म में ही आता है मूल्यांकन। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना चाहते हैं, किसका करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा का यानी हायर एजुकेशन का नैक मूल्यांकन करेगा। जो UGC है वो भी क्या है, हायर स्टडीज़ के लिए होती है। UGC किस लिए है, हायर स्टडीज़ के लिए, इसीलिए UGC ने ही नैक की स्थापना की है। इसका मुख्य अधिदेश उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अथवा उनके एक या अधिक एकांकों यानी यूनिट्स, विभागों, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रत्यायित यानी एक्रेडिट करना, ठीक है। नैक का काम क्या है, उसको क्या है, जो हायर स्टडीज़ हैं या हायर एजुकेशन है उनको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, उनको देखना है और उनको क्या करना है, प्रत्यायित करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई नई पद्धति के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों का 2-चरणीय दृष्टिकोण के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें प्रत्यायन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैंने सिर्फ वही चीज़ें ली हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आप ये पूरा
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप एक दो बार वीडियो भी देख लेंगे तब भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें कि आपको अच्छी लग रही है, क्लास नहीं अच्छी लग रही है या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कमेंट करेंगे तो आप हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम और आपके लिए अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मूल्यांकन और प्रत्यायन के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। अब हमारा जो नैक है उसके उद्देश्य क्या हैं वो देखेंगे। पहला उद्देश्य है उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं उनके कार्यक्रमों को ग्रेडीकरण करना। ग्रेडीकरण का मतलब है कि वो कैसे हैं, हमें उनको क्या करना है, ग्रेड देना है, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे क्या करना है, नैक को क्या करना है, उनको ग्रेड देना है। नेक्स्ट है, इन सभी संस्थानों में अकादमिक परिवेश तथा अध्यापन व शोध की गुणवत्ता का सुदृढ़ बनाना है। जो अध्यापन है, जो शोध है, यानी कि जो उच्चतर जो हमारे संस्थान होते हैं उसमें रिसर्च भी होती है, तो रिसर्च के जो संस्थान है उनकी गुणवत्ता को हमें अच्छा करना है। किसको करना है, नैक को। नैक को बोला गया आप सभी इनका क्या करो, निरीक्षण करो, असेसमेंट करो, देखो ये कैसे हैं, और अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको अच्छा करने के लिए प्रयत्न भी करो। नेक्स्ट है, संस्थानों द्वारा उनके अकादमिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता होना। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेष, आत्म मूल्यांकन तथा जवाबदेही को प्रोत्साहित करना, तो ये इसके क्या है उद्देश्य। तो नैक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने देखा कि नैक का फुल फॉर्म क्या है, नैक कब स्थापित किया गया, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। नैक का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, और ये किस लिए स्थापित किया गया, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, UGC द्वारा इसको स्थापित किया गया, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।